हेलो फ्रेंड्स, चाहता हूँ बी के टाइजन फ्रेंड्स में दोस्तों दे सकते हैं आप लोग। ये जो एलईडी रखी है हमारे पास, तो इसमें सी वाली एलईडी जो फ्रेंड्स ये ख़राब है, तो इसे रिपेयर करना सीखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड दे सकते हैं आप लोग, ये एलईडी है फिलिप्स की, ठीक है फ्रेंड्स। फिलिप्स कंपनी के 9 वाट की एलईडी, तो फ्रेंड्स ये ख़राब हो चुकी है, तो इसे रिपेयर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग के लिए लिया हमने होल्डर। ये फ्रेंड्स हमारा ओके एलईडी है, दे सकते हैं फ्रेंड्स ये ग्लो कर रहा है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, तो फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग ये नहीं जल रहा हमारा एलईडी, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, दोबारा दिखा दूँ मैं आपको, ये एलईडी हमारी ग्लो नहीं हो रही है, लेकिन ये वाली ग्लो हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस एलईडी को हमें खोल लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे हमने कुछ इस प्रकार से खोल लिया। तो फ्रेंड्स इस एलईडी में आपको ये वाली एलईडी दिखाई दे रही होगी, जो कि ख़राब हो चुकी है। और फ्रेंड्स ये भी डैमेज हो चुकी है, और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई एलईडी नहीं है। यहाँ पर जो एलईडी थी वो ब्लास्ट हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ब्लास्ट के कारण निकल चुका है बाहर। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, 1 2 3, यानी इसके अंदर 3 एलईडी। तो फ्रेंड्स इसके अंदर 3 एलईडी ख़राब है। तो अब आप क्या करना है, तो दोस्तों आप क्या करोगे कि इन एलईडी को ऐसे तोड़कर इसके ऊपर सोल्डरिंग कर दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कोई कामयाब होने वाला नहीं है, वो आपका 1 2 मिनट बाद ये जो एलईडी है 3 4, ये भी फूकना चालू हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें क्या करना है, पहले इसकी वोल्टेज चेक करने है कि इसके अंदर कितने वोल्टेज बन रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको एलईडी रिपेयर करते समय जो होल्डर है उसको लगाना है सीरीज में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मल्टीमीटर ले लिया है, अब इसको 1000 वोल्ट पे सेट कर दीजिए या फिर 200 वोल्ट पे सेट कर देना है फ्रेंड्स। तो हमने 200 पे सेट कर रखा है, अब इसके वोल्टेज चेक कर लें दोस्तों। तो फ्रेंड्स सावधानी रखें, इस पर आपका हाथ ना लगे, ना तो आपको बहुत तेज झटका लग सकता है। तो दोस्तों वोल्टेज देख सकते हैं आप लोग, 119 से करीब बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो आपकी 9 वाट की आपका बल्ब होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर कम से कम वोल्टेज 130 के लगभग होता है। ओके फ्रेंड्स, तो 119 है, तो भी कोई आपका जो एलईडी वो प्रॉपर ग्लो करेगा। तो फ्रेंड्स इन पिनों को कुछ इस प्रकार से ऐसे शॉर्ट कर दें, जिससे जो करंट है वो डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको हमने बाहर निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, ये जो MCPCB है फ्रेंड्स, इसे निकाल देनी है बाहर। तो दोस्तों इस MCPCB को हीट सिंक से अलग कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, इस MCPCB को हीट सिंक से अलग कर दिया हमने। तो फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ LED ओके है, तो इसे हमें रख लेना है, इसे फेंकना नहीं है, ये भी हमारे आगे काम आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपको ले लेनी है एक 9 वाट की MCPCB, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने ले ली है, अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसको इसके ऊपर अच्छे से कस देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे कस लेते फिर आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, इसको हमने कुछ इस प्रकार से अच्छे से कस दिया है। ओके फ्रेंड्स, इसको फ्रेंड्स टाइट ही कसना है, जैसे ये जो आपका MCPCB है हीट सिंक से अटैच रहे। जो LED होती है तो इसकी जो गर्मी होती है फ्रेंड्स, ये हीट सिंक खींचता रहे। ओके फ्रेंड्स, और हमारी LED ठंडी रहे। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग, इसके अंदर 10 LED लगी हुई है, 4 इस तरफ 4 इधर और बीच में 2। तो फ्रेंड्स 1 LED हमारा 1 वाट का होता है, इसी हिसाब से 10 LED है, तो ये हमारा 10 वाट का हो गया। तो फ्रेंड्स इसको आप 9 वाट पर भी ग्लो कर सकते हैं, 1 LED ज़्यादा है तो फ्रेंड्स LED की लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है। तो ये जो रेड वाला है ये पॉजिटिव है, और फ्रेंड्स जो ब्लैक वाला है नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स इसको सेम ऐसे लगा लेना है आपको। तो फ्रेंड्स इसको तो पहले आपको तो दोस्तों पहले तो आपको वायर निकाल लेने बाहर, देख सकते हैं हमने निकाल लिया है। अब इसकी जो हीट सिंक है इसे पहले फिट कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इसको हमने अंदर फिट कर दिया है। अब इसकी पॉजिटिव लैब को यहाँ पॉजिटिव पे सोल्डरिंग कर देनी है, और नेगेटिव को नेगेटिव पे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सोल्डरिंग करने से पहले पेस्ट का यूज़ ज़रूर करें। तो फ्रेंड जो पेस्ट लगाने के बाद सोल्डरिंग की जाती है वो ऐसे लगती है जैसे कंपनी से हुई हो। ओके फ्रेंड, देख सकते हैं आप लोग जो हमारी सोल्डरिंग है वो क्लियर हो चुकी है। अब हम इसे कर लेते हैं फ्रेंड्स पैक, देख सकते हैं जो आपका ढक्कन है, ढक्कन हमने इसके अंदर लगा दिया फ्रेंड्स, इसका ढक्कन। अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये जो हमारी LED है रिपेयर हो चुकी है। अब इसको होल्डर में हम लगा देते हैं, तो देख सकते हैं फ्रेंड जो हमारी LED है वो सुपर ब्राइट कर रही है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों जो आपको फ्लक्चुएशन दिख रहा है वो कैमरे के अंदर ही दिख रहा है, रियल में नहीं है, देख सकते फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो
तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स तो हमारी वीडियो कर दे लाइक, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।